महान दल ने बदली अपनी चाल, अखिलेश अब नहीं रहे सबसे महान। केशव देव की अनदेखी कहीं सपा पर भारी तो नहीं पड़ेगी। सम्मान न मिलने से आहत दिख रहे महान दल चीफ। महान दल ने सोशल मीडिया से अखिलेश की तस्वीरें हटाई। जानिए क्यों यूपी में बदल रही सपा के सहयोगियों की चाल। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल था महान दल। पिछड़े वोट बैंक पर अधिकार जताने वाले केशव देव मौर्य ने बिना शर्त, बिना किसी मांग अखिलेश को सीएम बनाने की सौगंध ली थी। चुनाव के बाद भले ही परिणाम सपा के पक्ष में ना आए हों, लेकिन महान दल ने चुनाव बाद भी साथ रहने का संकल्प दोहराया था। लेकिन अब हालात कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महान दल चीफ केशव देव मौर्य अब समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में महान दल के खाते में महज 2 सीटें आईं और फिर अब एमएलसी चुनाव में भी सपा की ओर से महान दल को कोई सीट नहीं दी गई, उससे महान दल के नेता असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर बताई जा रही है कि आखिर सपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का टिकट क्यों दिया जा रहा है, जबकि वे खुद विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के वोट बैंक ने सपा का समर्थक विधानसभा चुनाव में नहीं किया था, फिर आखिर क्यों हारे हुए नेता को सपा चीफ एमएलसी बनाने का तोहफा दे रहे हैं। महान दल के कार्यकर्ता और समर्थक केशव देव मौर्य को समाज का सर्वमान्य नेता मानते हैं। ऐसे में सपा चीफ से मांग की जा रही थी कि केशव देव मौर्य को विधान परिषद भेजा जाए। इसी नाराजगी के चलते केशव देव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पेज से अखिलेश यादव के साथ वाली अपनी फोटो हटा दी है। साथ ही महान दल के भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश यादव की तस्वीरें नदारद हैं। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एमएलसी सीट पर दावेदारी को लेकर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य नाराज चल रहे हैं। यही नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ये दोनों दल अपने लिए एक एक सीट चाहते थे। चर्चा है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए केशव देव मौर्य ने समय भी मांगा था, लेकिन व्यस्तता का हवाला देते हुए सपा चीफ ने फिलहाल मुलाकात से मना कर दिया था। इसके बाद से आपसी तल्खी और भी बढ़ती दिख रही है। सूत्रों की माने तो महान दल की ओर से फिलहाल गठबंधन को लेकर मंथन किया जा रहा है। सपा के साथ रहकर अगर पार्टी को कुछ हासिल नहीं होगा तो पार्टी के लिए आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।